अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस ऑफ असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड इसके जो एग्जामिनेशन होते हैं वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन होल्ड करता है। जी व्यूअर्स, इसमें जो टोटल हमारे पास पेपर हैं वो है चार। पेपर वन जो है क्रिमिनल लॉ वन, उसमें प्रोसीजरल लॉ पूछा जाएगा, ये है जी 150 मार्क्स का। फिर क्रिमिनल लॉ टू है, इसमें सबस्टांटिव लॉ पूछा जाएगा, ये है जी 100 मार्क्स का। फिर है जी क्रिमिनल लॉ थ्री, इसमें एविडेंस के मुतालिक पेपर में पूछा जाएगा, ये भी 100 मार्क्स का है। और फिर है इंग्लिश, ये 50 मार्क्स की। रिटर्न क्लियर करने के बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट जमा वाइवा बोस होगा, ये भी 100 मार्क्स का है। और इस तरह से हमारे जो टोटल इसमें मार्क्स बने वो 500 हैं। व्यूअर, जो पेपर वन क्रिमिनल लॉ वन है, ये टोटल इसमें हमारे से वो प्रोसीजरल लॉ के मतलब पूछेगा और इसमें टोटल मार्क्स 150 हैं। 25 मार्क्स ऑब्जेक्टिव एंड 125 मार्क्स सब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव में उसी तरह से 5 सवाल अटैम्प्ट करने होंगे और चॉइस होगी राउंड अबाउट 8 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 5 करने होते हैं। और इसमें जो मजीद टॉपिक्स हैं वो ये मैंने प्रेजेंटेशन में भी लिखे हैं, इसको एक मरतबा पढ़ भी लेते हैं। तो हमारे पास जो टॉपिक्स हैं क्रिमिनल लॉ वन में जो आप तैयार करने वाले हैं वो सबसे पहले है जी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स, फिर है जी पावर्स ऑफ द पुलिस, फिर है जी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स, फिर है जी ट्रायल प्रोसेसेस, फिर है जी इनिशिएशन ऑफ प्रोसिक्यूशंस, फिर है जी जजमेंट्स, उसके बाद है जी प्रिंसिपल्स ऑफ सेंटेंसिंग, सीरियसनेस ऑफ ऑफेंसेस, लेवल ऑफ हार्म, फिर है जी प्रोसिक्यूशन है जी प्रोसिक्यूटोरियल टेस्ट, सिलेक्शन ऑफ विटनेसेस, एडिशनल एविडेंस, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, विथड्रॉल ऑफ केसेस, स्क्रूटनी ऑफ पुलिस रिपोर्ट्स, टेंडर ऑफ पार्डन, टाइप्स ऑफ पुलिस रिपोर्ट्स, डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज्ड पर्संस, अपील्स एंड रिविजन्स, प्रोसीजर एंड ग्राउंड्स, विटनेस प्रोटेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स हैं रिलेटेड टू प्रोसीजर, फिर फंडामेंटल राइट्स, डबल जेपर्डी, फिर है जी हमारे पास रिट ज्यूरिसडिक्शन है इन क्रिमिनल लॉ, फिर प्रोबेशन ऑफ लॉज है, प्रोबेशन लॉज हैं, फिर लॉ रिलेटेड टू जुवेनाइल्स है, फिर हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स हैं रिलेटेड टू अबव मैटर्स अंडर द वॉल्यूम थ्री। ये वॉल्यूम थ्री वही इंस्ट्रक्शंस टू द क्रिमिनल कोर्ट्स वही वाला है। पेपर टू में क्रिमिनल लॉ टू है हमारे पास, इसमें भी ऑब्जेक्टिव जो है वो 25 मार्क्स एंड सब्जेक्टिव जो है 75 मार्क्स, और ये टोटल 100 मार्क्स का होगा। इसमें भी सब्जेक्टिव में आपको 5 सवाल ही करने होंगे आउट ऑफ द गिवन चॉइस। और इसमें जो हमारे पास सिलेबस है वो जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ, इंटेंशन, ऑब्जेक्ट, कंसेंट, विल, मेंस रिया, एक्टस रियस, अबैटमेंट, कॉन्स्पायरेसी, फिर आज जनरल एक्सेप्शंस, ऑफेंसेस इन पीपीसी एंड एंटी टेररिज्म एक्ट, चार्जिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय द प्रोसिक्यूटर जनरल, साइबर क्राइम ऑफेंसेस एंड नारकोटिक ऑफेंसेस। व्यूअर्स, जो पेपर थ्री है ये क्रिमिनल लॉ थ्री है, इसमें सिर्फ एविडेंस पूछा जाएगा और इसमें राउंड अबाउट जो सारा कुछ है वो कानून शहादत ऑर्डर 1984 में से ही है। और इसमें भी ऑब्जेक्टिव 25 मार्क्स, सब्जेक्टिव 75 मार्क्स, सब्जेक्टिव में 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ द गिवन चॉइस। और जो सिलेबस में हमारे पास टॉपिक्स इसमें शामिल हैं वो रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, एडमिशन एंड कन्फेशन, डाइंग डिक्लेरेशन, साइंटिफिक एविडेंस, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड आइडेंटिफिकेशन परेड। व्यूअर्स, पेपर फोर हमारे पास इंग्लिश है, ये 50 मार्क्स का है, इसमें एसे राइटिंग, कंप्रीहेंशन और प्रेसिस राइटिंग है। तो इस तरह से ये टोटल जो रिटर्न में हमारे पास चार पेपर हैं।
और इसमें हमें ये जो मैं पीछे आपको प्रेजेंटेशन में बता चुका हूँ ये वाले टॉपिक्स तैयार करने होंगे। एंड व्यूअर्स देखा जाए तो ये भी कोई शॉर्ट सिलेबस नहीं है, इस तरह से सिलेबस भी टफ है और डेट शीट भी बहुत टफ है। एक दिन में दो पेपर कमीशन होल्ड कर लेता है, तो मेहनत की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इस पेज पे व्यूअर्स हमारे पास रेलिवेंट लॉज एंड कोड्स हैं, इन कोड्स को पढ़ के आप अपना कंपटीशन का जो एग्ज़ाम है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का वो तैयारी कर सकते हैं। इस पेज पे व्यूअर्स हमारे पास रेलिवेंट लॉज एंड कोड्स हैं, इन कोड्स को पढ़ के आप अपना कंपटीशन का जो एग्ज़ाम है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का वो तैयारी कर सकते हैं। व्यूवर्स आज की इस प्रेजेंटेशन में हमने एडीपीपी का सिलेबस डिस्कस कर लिया है, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।